हेलो गाइस, नमस्कार, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल दबंग अंजलि व्लॉग्स। तो ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये एक तरीके का मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो है आप लोगों को बताना ये कि मैं इतने टाइम से कुछ भी वीडियो पोस्ट क्यों नहीं कर रही हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पर रील बना रही हूँ। बताने से पहले बस यही कहना चाहती हूँ कि अभी एक हफ्ते और मेरी वीडियोज़ जो हैं नहीं आएंगी, और आप लोग मेरी फैमिली हो एंड आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देते हो, तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ, क्या रीज़न है, ये मुझे आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। हमारे घर में मेरे अंकल हैं, उनकी डेथ हो गई है एंड तो मेरे खुद के सगे अंकल थे वो, और उनकी डेथ हो गई है। तो इस वजह से ना मेरा इस वजह से बिल्कुल मेरा मन ही नहीं कर रहा है, कुछ भी वीडियो नहीं बनाने का बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा है, मेरे से बन ही नहीं रहा है वीडियो, मैं बना भी नहीं सकती वीडियो अभी। मतलब मेरे को विश्वास अभी नहीं हो रहा है कि ऐसा हुआ है हमारे परिवार में, हमारे घर में। अभी भी मैं आपको बस यही कहूँगी कि एक हफ्ते में और वीडियोस अभी बिल्कुल नहीं बनाने वाली हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा सा आप समझो मेरी फीलिंग को। मैं जानती हूँ कि ये वीडियोस वगैरह बनाना मेरा काम है, ये मेरा एक वर्क है, लेकिन मैं भी इस जोन में नहीं हूँ कि मैं कुछ वीडियो अपलोड कर सकूँ, मैं व्लॉग बना सकूँ या कुछ भी किसी तरीके का रील वीडियो बिल्कुल नहीं बना सकती, मैं 1% भी नहीं बना सकती। लास्ट टाइम चाचू जिनकी डेथ हुई है वो उनकी जो भी मेरी लास्ट उनसे मेरी जो भी बातचीत हुई थी, बस वही चीज़ मेरे कान में गूंज रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। बहुत यादें जुड़ी है उनके साथ मेरी, और ऐसा मतलब मैं कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोची थी। तो आई होप गाइज आप लोग मेरी फीलिंग को समझोगे एंड आप लोग प्लीज़ समझना। और अब वीडियोज़ एक हफ्ते मेरी और नहीं आएंगी, कुछ दिन तक मेरी वीडियो नहीं आएंगी, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे बने रहना। जैसे ही मेरा मूड ठीक होता है या सब कुछ ठीक होता है, थोड़ा सा रिकवरी होती है, सब माहौल थोड़ा सा सही होता है, तो मैं दोबारा काम करूँगी, क्योंकि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, इस पे मैंने और कुछ लाइफ में कुछ कमाया हो या नहीं कमाया हो, पैसे नहीं कमाए हैं मैंने, लेकिन आपके जैसी अच्छी और प्यारी अंडरस्टैंडिंग वाली ऑडियंस नहीं, मेरी फैमिली हो आप लोग जैसी फैमिली मुझे मिली है सोशल मीडिया की फैमिली, तो मैं ज़रूर काम करूँगी। बस अभी मैं आपको बस इतना ही कहूँगी, दिल से कह रही हूँ कि अभी मैं उस जोन में नहीं हूँ कि मैं कुछ वीडियो पोस्ट कर सकूँ, कुछ बना सकूँ, एंड ये बात जानने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ मैं जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। मैं अंदर से बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा उदास हूँ मैं, कि बस इतना ही है कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा उदास हूँ। मैं खुद ही अपने आप को थोड़ा सा दे रही हूँ, तसल्ली दे रही हूँ, क्योंकि वो चाचू के साथ मेरी बहुत सारी बचपन से यादें जुड़ी हुई थी, बहुत कुछ था, बहुत कुछ, तो इस वजह से मैं उस अभी वीडियो नहीं पोस्ट कर सकती हूँ, बस यही रीज़न है। 2-3 दिन से कुछ भी नहीं पोस्ट करने की वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझसे पूछ रहे थे DMs में कि आप वीडियो क्यों नहीं पोस्ट कर रहे हो, काफ़ी लोग तो मेरे से नाराज़ हो गए थे कि आप वीडियो नहीं पोस्ट कर रहे हो दी, क्या हुआ। तो मैंने सोचा कि मतलब मेरे दिमाग से उतर गया था, फिर मेरे को अचानक से ध्यान आया कि आप लोग को तो बताना ज़रूरी है कि मतलब ऐसा क्या हुआ है कि मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने अपना मन बनाया और
बहुत ही ज़्यादा आपने, मैंने सोचा कि आपको मैं बता ही देती हूँ कि ऐसा क्या रीज़न है कि मैं क्यों वीडियो वगैरह नहीं बना रही हूँ। अभी अभी ये जो समय चल रहा है थोड़ा सा कठिन समय चल रहा है, बस यही है कि थोड़ा सा हिम्मत रखना है, हम सबको रखना है हिम्मत। और तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखना, स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड कीप सपोर्टिंग योर अंजलि पांडे एज दबंग अंजलि। पता नहीं हम कब मिलेंगे, आई डोंट नो कि मैं कब वीडियो बनाने वाली हूँ, व्लॉग कब बनाऊँगी, कब पहले जैसा सब होगा मैं नहीं जानती। बट बस यही भगवान से प्रार्थना करूँगी कि भगवान मेरे चाचू की आत्मा को जो है शांति मिले। एंड ओके बाय गाइस, अब कुछ मैं ज़्यादा मेरे को बोलने का मन नहीं है, सीरियसली टू बी ऑनेस्ट मेरा ज़्यादा बोलने का मन नहीं है। अभी मैं खुद इतना मुश्किल से ऐसे मुंह खोल खोल के बोल रही हूँ, मेरा बिल्कुल सच में बोलने का मन नहीं कर रहा है एकदम, क्योंकि अभी बिल्कुल ही सदमा सा एकदम हुआ है। एंड मैं आपको क्या बोलूँ, और बस आप समझ जाओ, मिलते हैं ज़रूर मिलेंगे कभी ना कभी, तो बस थोड़ा सा माहौल सब कुछ बढ़िया हो जाए, ठीक हो जाए, थोड़ा सा मन में जो चल रहा है ना हलचल, वो थोड़ा सा शांत हो जाए। ओके बाय गाइस।